Hello friends, I welcome you all in this video lecture series, and today I am just going to solve few problems of modern algebra. और देखिए, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि लाइव डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए बैच जो है 15 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर मॉडर्न अलजेब्रा लेके चला है. और इस मॉडर्न अलजेब्रा का जो लाइव डिस्कशन चल रहा है, उसके कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ भी अवेलेबल कराएंगे. तो चलिए, सम प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं वन बाय वन. सो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मॉडर्न अलजेब्रा जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, ये सभी को पता है. एक है नंबर थ्योरी, राइट, नंबर थ्योरी. सेकेंड इज ग्रुप थ्योरी एंड थर्ड इज बेसिकली द रिंग थ्योरी, राइट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर थ्योरी, फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम द नंबर थ्योरी. देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यू प्रॉब्लम फ्रॉम द ग्रुप थ्योरी एंड थर्ड वन इज द रिंग थ्योरी. तो देखिए, सबसे पहले नंबर थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका अक्सर आता है, जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से है, फिर आपका लास्ट टू डिजिट या लास्ट वन डिजिट भी पूछ लेते हैं. तो चलिए, और ये जो आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, बेसिकली यहाँ से जो प्रॉब्लम आता है वो यूनिकनेस पे आता है या फिर कांग्रुएंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स, जो इंटीजर एक्स एग्जिस्ट करेगा. फर्स्ट ऑप्शन इज एक्स विच इज बेसिकली एक्स कांग्रुएंस 23 मॉड 1000, राइट, एंड एक्स कांग्रुएंस 45 मॉडुलो 6789, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली पूछ क्या रहा है वो, कि ये कह रहा है कि कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, राइट. दिस मीन्स दैट देयर हैज एन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, दोनों के लिए एक ही कोई सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सेकंड देखिए, कह रहा है एक्स कांग्रुएंस 23 मॉडुलो 1000 एंड एक्स कांग्रुएंस 54 मॉडुलो 6789, राइट. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है एक्स कांग्रुएंस 32 मॉडुलो 1000 एंड एक्स कांग्रुएंस 54 मॉडुलो 9876, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्स कांग्रुएंस 32 मॉडुलो 1000 एंड एक्स कांग्रुएंस 44 मॉडुलो 9876, राइट. सो दीज आर द फोर ऑप्शंस. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी गेट दिस सॉल्यूशन, कैसे हम सॉल्यूशन को यहां से सॉल्व करके हम निकाले, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा. तो देखिए, जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम की बात करें जहां पे यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा, अच्छा ये देखिए, ये क्या है, सिस्टम ऑफ कांग्रुएंस है. सिस्टम ऑफ, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वन, राइट. एंड द सेकेंड, लेट सपोज दिस इज ए वन बी वन सी वन. इन द सिमिलर वे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू. एंड द थर्ड इक्वेशन इज ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसी तरीके से सिस्टम ऑफ कांग्रुएंस होता है. तो यहाँ पे बेसिकली जो ये पूछ रहा है, अगर फर्स्ट ऑप्शन को एक बेस मान के समझे, तो 23 मॉड 1000, राइट. एंड द सेकेंड इज एक्स कांग्रुएंस 45 मॉड 6789. तो इसमें से वो क्या पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो ये पूछ रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स, कोई इंटीजर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है. वो कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो दोनों ही सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा. सेकंड, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसी तरीके से पार्ट सी का भी क्वेश्चन आ सकता है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पार्ट बी. तो देखिए, पार्ट बी का है तो एक ऑप्शन कोई करेक्ट है. अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा. जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि देयर हैज आइदर एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आर शॉर्ट ट्रिक सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली, राइट, और आसानी से विद इन वन और टू मिनट सॉल्व भी कर सकते हैं. उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता जिसको 10 मिनट या 20 मिनट्स लगे. जो भी प्रॉब्लम होते हैं 2 to 3 मिनट्स के होते हैं, और उसके पीछे या तो फिर
कोई शॉर्ट टेक्निक है या फिर कोई थ्योरम्स या लेमा काम करता है, तो इस क्वेश्चन में भी एक थ्योरम और लेमा काम करता है। इस तरीके के कई क्वेश्चंस आए हुए हैं कई एग्जाम में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं वो थ्योरम या लेमा क्या है। एक्स, ये भी बेस्ड है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे, एक्स कांग्रुएंस ए मॉड एन। लेट सपोज कर लीजिए ये है एक्स कांग्रुएंस ए मॉड एन एंड अनदर इक्वेशन इज एक्स कांग्रुएंस बी मॉड एम, राइट। देखिए इसी तरीके से सिमिलर है एक्स कांग्रुएंस, दोनों आप इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं यहां से, दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कांग्रुएंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ कांग्रुएंस विच इज बेसिकली सिमिलर टू दिस, बिकॉज हियर एक्स इज ओनली कॉमन ए एंड बी। दोनों में अगर आप देखिए तो किसी भी ऑप्शन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ए की वैल्यू यहां पे 23 है, बी की वैल्यू है 45, राइट। और सेकेंड ऑप्शन में देखिए इसी तरीके से 23, 54, सारे डिफरेंट है एंड एन और एम बी सब डिफरेंट है, राइट। सो यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि इट हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, हैज यूनिक सोल्यूशन, राइट। सो इट हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन व्हेन इट हैज यूनिक सोल्यूशन इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। इफ देखिए बहुत आसान है, ए कांग्रुएंस बी मॉड या ऐसे ले लीजिए जीसीडी ऑफ एम एन, राइट। जीसीडी ऑफ या जीसीटी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एंड एन, राइट। और एक चीज और ध्यान देना है आपको कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना। चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अप्लाई करेंगे एंड विच ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट। तो चलिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई करता हूं, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन में हम अप्लाई करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है ए की जगह क्या है 23 एंड बी की जगह 45 है। सो एंड वन मोर थिंग, जीसीडी इसका कितना है, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में। चलिए देखिए जीसीडी, जीसीडी क्योंकि हमें यूज करना है, जीसीडी ऑफ 1000, 6, 7, 8, 9। और इसका देखिए बहुत क्लियर है, इसका कोई भी जीसीडी आप निकाल के देख लीजिए, इसका जीसीडी बेसिकली आएगा 1, राइट। क्योंकि ये आपस में ही को प्राइम है, दोनों क्या है एक दूसरे से को प्राइम है, और जीसीडी आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे आप ये यूज करिए जो फॉर्मूला आपको बताया था, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो आपका क्या हो जाएगा 23 कांग्रुएंस, ध्यान दीजिएगा कांग्रुएंस 45, और हमने यहां पे पहले से ही निकाल रखा है, यहां पे मॉडुलो लिख लीजिए क्योंकि मॉडुलो तो आपको पता ही है, यहां पे मॉडुलो आप जीसीडी ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रुएंस के साथ मॉडुलो और जीसीडी इन दोनों का जीसीडी, तो जीसीडी 1 आया है, ध्यान दीजिएगा दिस इज बेसिकली 1, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए आपको पता है कि जीसीडी का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आई गया है, और अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की तो इसका मॉडुलो का बेसिकली बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, इफ वी राइट एक्स कांग्रुएंस वाई मॉडुलो एन, तो इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड बेसिकली एक्स माइनस वाई। और आपको पता है जब 1 आ गया तो 1 तो किसी को भी डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड 23 माइनस 45, ये तो बहुत आसान है, ये डिवाइड करेगा, दिस मीन्स दैट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली क्या है, ये ट्रू है। देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सिर्फ अपने पास एक छोटा सा रिजल्ट है, रिजल्ट से वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में भी इसी तरीके सिमिलर तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन द सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आर टू। तो इसी तरीके से देखिए यहां पे भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, जीसीडी तो वही रहेगा क्योंकि यहां दोनों एम और एन की जगह क्या है 1000 एंड दिस इज 1000 एंड कमा 6, 7, 8, 9, तो इसका भी जीसीडी क्या होगा 1 आएगा। अब देखिए अब हमें कांग्रुएंस का फिर वही फॉर्मूला अप्रोच लगाना, ए कांग्रुएंस बी मॉड मॉडुलो जीसीडी ऑफ एम एन। सो ए की जगह क्या हो जाएगा 23 कांग्रुएंस 54 एंड विथ मॉडुलो जो जीसीडी आपका आया है, बस जीसीडी की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, जीसीडी इज बेसिकली 1।
तो देखिए अगेन आपको पता है 1 / 23 - 54, ये तो इसको डिवाइड करेगा, दिस मीन्स दैट सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। अच्छा देखिए हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली और ध्यान से पढ़ना है, सो दीज टू स्टेटमेंट ट्रू, हमें तो फॉल्स ढूंढना है। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन, राइट, वी मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है। सबसे पहले अगेन हम कोशिश करते हैं जीसीडी फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी या थर्ड बोलिए। सो जीसीडी, जीसीडी किसका निकालना है, 1000, 9876, ठीक है। अच्छा इन दोनों का आप जीसीडी निकाल के देख लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, देखिए यहां 6 आया लास्ट में, ये भी इवन नंबर है, ये 1000 है भी इवन नंबर है, इसका बेसिकली जीसीडी जो आया है वो 4 आया है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे जीसीडी इसका, एलसीएम, जीसीडी, ये सब बहुत नॉर्मली चीज है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन मीन्स ए जो आपको अभी यहां पे बताया, ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो, मॉडुलो जीसीडी ऑफ एम एन, और यहां पे देखिए इस थर्ड इस क्वेश्चन में अब जीसीडी आ गया 4, तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए की जगह क्या लिखा हुआ 32 एंड बी की जगह क्या लिखा हुआ 54, सो दिस इज बेसिकली 32 कांग्रुएंस 54 एंड मॉडुलो, मॉडुलो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या ध्यान देना है कि क्या ये 4 इसको डिवाइड करेगा, तो देखिए यहां पे अगर बात करें 4 किसको डिवाइड करना चाहिए कांग्रुएंस के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, 32 - 54। अच्छा देखिए 32 - 54 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -22 आ जाएगा, राइट। क्या 4 - 22 को डिवाइड करेगा, क्या देखिए ध्यान दीजिए, हियर कैन इट पॉसिबल 4 - 22, नो कैन नॉट डिवाइड, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, यही तो कह रहा था फॉल्स स्टेटमेंट हमें निकालना है। बट इवन वी चेक द फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, द ऑप्शन नंबर डी आर फोर्थ ऑप्शन, एंड इन दिस ऑप्शन बेसिकली अगेन द जीसीडी इज जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 1000 and 9876 विच इज बेसिकली 4, कितना हो जाएगा जीसीडी, कितना हो जाएगा 4 होगा, और अगेन दिस वी चेक वेदर इट डिवाइड और नॉट, तो यहां पे ए की जगह देखिए क्या लिखा हुआ 32, इन प्लेस ऑफ ए इट इज 32 एंड इन प्लेस ऑफ बी इट इज 44, सो यू कैन से दैट हियर 32 कांग्रुएंस 44 एंड विथ मॉडुलो 4, राइट। नाउ चेक 4 वेदर 4 डिवाइड 32 - 44, यस इट डिवाइड बिकॉज इट इज बेसिकली कम -12, सो 4 डिवाइड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, सो ओनली वन ऑप्शन इज बेसिकली फॉल्स एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऐसे टेक्निक जो भी आपके पास थ्योरम्स हैं लेमा है उन्हें कैसे अप्लाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें जानना कि वो थ्योरम्स या लेमा किस चीज के लिए यूजफुल है। सो हमें यही पता करना है कि कोई ऐसा इंटीजर जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करे, दिस मीन्स दैट इट टॉक अबाउट द यूनिक सोल्यूशन, राइट, वेदर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट आर नॉट, सो दिस थ्योरम यू कैन अप्लाई एंड वेरी इजिली यू गेट द आंसर। ये देखिए यहां पे जो मैं बात करूंगा एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, उसके भी कुछ केसेस मैं डायरेक्टली हैंडल करेंगे, सिस्टम ऑफ कांग्रुएंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी गेट द यूनिक सोल्यूशन। अच्छा वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा इसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो एक्स नॉट की वैल्यू है क्या, दिस इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, और अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आपका जून 2016 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन पार्ट सी ऑल्सो। चलिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो कि नंबर थ्योरी से है, जो कि अक्सर आता है इसी आपका मॉडर्न अलजेब्रा में, तो एक प्रॉब्लम और लेके और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम अक्सर आता था, अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो कभी भी आ सकता है, ये अक्सर पूछता है
व्हाट इज द लास्ट टू डिजिट और लास्ट वन डिजिट ऑफ दिस नंबर। देखिए कोई नंबर पे कुछ पावर कर देगा और पूछेगा कि उसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे, तो देखिए कभी क्या ये पॉसिबल है आप इतना मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाए? नो, दिस मीन्स दैट देयर हैज सम थ्योरम सम लेमा आर वर्किंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन। और हमें ऐसे ही अप्रोच लगाना है, तो उसी में एक जो आपका थ्योरम है वो है आयलर्स थ्योरम। और इस आयलर्स थ्योरम के बेसिस पे देखिए हम कितने सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये लास्ट डिजिट वाले। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, उसको कैसे अप्लाई करना है, चाहे वंस डिजिट पूछे या टू डिजिट पूछे, यू कैन वेरी इजिली गेट द आंसर। देखिए विद इन एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक बार अगर आपने समझ लिया तो एक मिनट के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखने से पहले वो उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। देखिए क्या है, ए रेज टू द पावर 5m, राइट, 5m कांग्रुएंस 1 मॉड n, राइट, ये आपको ध्यान रखना है, m या n ले लीजिए। सो यहाँ पे 5m, व्हाट इज 5m, ये सभी जानते हैं 5m बेसिकली क्या होता है, आयलर्स फंक्शन होता है, ठीक है ना, आयलर्स फंक्शन। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बहुत आसान है, आयलर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है m, उसके लिए अप्लाई हो सकता है, ये आपको ध्यान देना। और एक और कंडीशन है, बेसिकली m इज इंटीजर, राइट, एंड सेकंड इज आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका a और m, a कमा m, इसका जो जीसीडी हो वन हो। देखिए जीसीडी कई तरीके से लिखा जाता है, ए एम डायरेक्ट भी लिखा जाता है या उसके सामने ऐसे लिख भी दिया जाता है, जी सी डी आप इन दोनों का वन है, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर टू डिजिट पूछता है तो हाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम बेसिकली। तो देखिए जब भी आपसे वन डिजिट पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर वन डिजिट पूछता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है मॉड 10, राइट, और अगर टू डिजिट पूछता है तो आपको लास्ट में लिखना है मॉड 100। दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। अगर आपको थ्री डिजिट पूछता है तो लास्ट में आपको लिखना है मॉड 1000, राइट। सो हियर इट इज आस्किंग अबाउट लास्ट टू डिजिट, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लगाएंगे क्या मॉड, अभी सबसे पहले आप ध्यान देना आपको मॉड 100, राइट, दिस इज 100 बिकॉज इट आस्क अबाउट विच वन, ये किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि लास्ट टू डिजिट कितना होगा। जब भी टू डिजिट की बात करेंगे हम 100 लगा देंगे। अब देखिए यहां से इस थ्योरम को थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिए, दिस इज कांग्रुएंस 1 मॉड, तो यहां पे आपको 1 लिखना है, वेरी क्लियर। जब भी आपको टू डिजिट पूछे आपको मॉडुलो 100 लिखना है। नाउ द नेक्स्ट अप्रोच, आप ये तो चेंज नहीं कर सकते, ये क्या है ए है और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। अब हमें पावर अभी हमें नहीं लगाना है, अब हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप क्या, कि जीसीडी आप एम 1 होना चाहिए तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा। और देखिए क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं कि आप आसानी से उन्हें अप्लाई कर सके, कोई भी थ्योरम कोई भी लेमा, क्योंकि इतना मतलब अगर लेंदी प्रॉब्लम देता है तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और ऐसे प्रॉब्लम नॉर्मली आते नहीं। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके पीछे देखे, इफ देयर हैज ए 20 to 30 प्रॉब्लम्स, तो इस 20 प्रॉब्लम्स में से 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिन जो थोड़ा सा टाइम टेकन रहेगा, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना है। सो नाउ क्या करना है यहाँ पे देखिए, अगर नेक्स्ट स्टेप है हमें 5m निकालना, यस पहले हम ये डिटेक्ट कर लें 7 और 100 के बीच जो जीसीडी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इट मस्ट बी 1, यस दोनों आपस में क्या है को प्राइम है, तो इसका जीसीडी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं 1। सो देखिए ये अब हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर ऑफ दिस 7, तो यहाँ पे जो पावर होगा ये कितना होगा 100 होगा, ठीक है, यही तो बताया अभी, तो 5m कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चलता हूं मैं साइड में 500 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, तो 100 को आप 5 यानी आयलर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, पहले इसका प्राइम आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, तो आप इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, राइट, यही तो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहां से आप 500 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको करेंगे n, यही तो n इंटू 1 माइनस 1 अपान p इंटू 1 अपान 1 माइनस q, यही तो फॉर्मूला होता है,
जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन, चूंकि पी और की यहां दो ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 100 इंटू वन माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई फाइव। इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 इंटू वन बाई टू इंटू फोर बाई फाइव, राइट। सो आपका देखिए 5 टू जा 10, और यहां जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 टू जा 10, तो यहां 100 और दिस विल बी 40। देखिए 2 5 दिस विल बी 10, 10 4 जा 40, तो यहां पे कितनी आ गई 40। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 7 रेज टू द पावर 40 रख देना है, कांग्रुएंस 1 मॉड 100, राइट। अब देखिए हमें पता क्या करना है, हमें बेसिकली यही रिमाइंडर आता है या लास्ट टू डिजिट इसी प्लेस पे आएगा, तो हमें ये देखिए हमें 7 रेज टू द पावर 40 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। वन मोर थिंग, अगर कभी भी 1 आ जाए तो इसमें कितना भी पावर करेंगे यू विल ऑलवेज गेट 1, राइट। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसको कैसे हम 1 पावर को किस तरीके से अप्रोच मतलब लगाए कि 1 पावर इजिली आ भी जाए 1 और अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो यहां देखिए 7 रेज टू द पावर 81 है, तो इस दोनों साइड में, अच्छा कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन, अगर है सो इफ देयर हैज सम पॉजिटिव इंटीजर के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर के दैट इज बी रेज टू द पावर के मॉड एन, ठीक है। तो सेम अप्रोच यहां पे लगाएंगे, देखिए यहां पे कितना पावर दोनों साइड में करूं कि इसके क्लोजर पहुंच जाऊं। देखिए 81 तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 81 करता हूं तो 40 कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें 40 को 40 से मल्टीप्लाई करिए कोई ऐसा इंटीजर जिससे 81 आ जाए। हाँ यस, हम 80 के अप्रॉक्स ले आ सकते हैं, 80 ले आ सकते हैं, 7 रेज टू द पावर 40 इंटू यहां पे पावर 2 कर सकते हैं, एंड द सिमिलर वे राइट हैंड साइड में भी पावर हमें 2 ले आना पड़ेगा मॉड 100, राइट। सो दिस बिकम 7 रेज टू द पावर 80, ठीक है, और उसके क्लोजर ही पहुंचना होता है, और क्लोजर पहुंचने से ही नेक्स्ट स्टेप में आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमें क्या चाहिए 81, तो दोनों साइड में एक और है यहां पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर ए के कांग्रुएंस बी के मॉड एन, तो ये वाला अप्लाई करते हैं हम दोनों साइड में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, सो 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट व्हाट, दिस इज बेसिकली 7 रेज टू द पावर 80 एंड दैट इज कांग्रुएंस 1 इंटू 7 मॉड 100, राइट। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 7 रेज टू द पावर 81 कांग्रुएंस 7 मॉड 100। सो व्हाट अबाउट द लास्ट टू डिजिट, देखिए 7 आया, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 दैट इज 07, इसको ऐसे लिख सकते हैं 07। सो द लास्ट टू डिजिट इज बेसिकली दिस 07 दिस, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व कर दिया, बाय अप्लाइंग ए सिंपल आयलर्स थ्योरम। देखिए कई ऐसे प्रॉब्लम सीएसआईआर के पेपर में आए हुए हैं, और ऐसे प्रॉब्लम को आप नंबर थ्योरी से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंपल अप्रोच ऑफ आयलर्स थ्योरम। और लेकिन उससे पहले भी देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस हैं, और एक और चीज है कि ये किस लिए यूजफुल होगा, फॉर व्हाट इट इज यूजफुल, किसके लिए यूजफुल है। तो आप लास्ट टू डिजिट हो, लास्ट वन डिजिट हो, वहां से बड़े आसानी से ऐसे प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें काफी सारे क्वेश्चन रिमाइंडर पे भी आते हैं, सेम अप्रोच आप लगा सकते हैं, कि जैसे जून 2017 का क्वेश्चन है वो रिमाइंडर पे आया हुआ है कि हाउ मच रिमाइंडर इज रिमेन जब हम 16 रेज टू द पावर 2016 को डिवाइड करते हैं 9 से। यदि देखिए इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 9 तो रिमाइंडर क्या बचेगा। यहां भी आप सेम आयलर्स थ्योरम का यूज करके बहुत आसानी से प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी सीएसआईआर के प्रॉब्लम या गेट के प्रॉब्लम आते हैं या फिर जैन में भी प्रॉब्लम आते हैं, एनबीएचएम में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा अप्रोच एक होना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को देखिए वहां पे कभी भी मैन्युअली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम टाइम एक दो प्रॉब्लम हो गए तो हो गए, अदरवाइज जो आपको अप्लाई करना है वो थ्योरम्स लेमा
या फिर कोई शॉर्ट टेक्निक यूज करनी है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक है जिससे क्वेश्चन 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाए, क्योंकि इतने इससे ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आते कि आप उसमें 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगाएं, राइट। सो आपको वो अप्रोच आनी चाहिए, वो टेक्निक आनी चाहिए। तो देखिए कुछ जैसे मैंने बताया कि लाइव डिस्कशन जो चल रहा है इस समय, उस लाइव डिस्कशन के कुछ क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल भी रहेंगे, उसको आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी लेमा है, वो हर पेपर में डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, अगर आपको लगता है कि आपको फुल कोर्स की जरूरत है, तो आप ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।